हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम प्रीमियर प्रो में मास्किंग को समझेंगे और इससे रिलेटेड पांच डिफरेंट इफेक्ट्स भी क्रिएट करेंगे। लास्ट वीडियो पे और पोस्ट पे भाइयों के कमेंट्स आए थे कि मास्किंग और कलर ग्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाई जाएं, तो इस वीडियो में हम मास्किंग को एक्सप्लोर कर रहे हैं और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम कलर ग्रेडिंग के टॉपिक को डीपली अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से आप अपने फुटेज में कलर ग्रेड कर सकते हैं। और इस वीडियो में भी मैं आपको कलर ग्रेडिंग के काफी सारे टिप्स देने वाला हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो पांच टॉपिक्स हम समझने वाले हैं उनमें पहला है टेक्स्ट एनिमेशन, दूसरा कलर ग्रेडिंग, तीसरा कैरेक्टर इंट्रो सीक्वेंस, चौथा फेस ब्लर और पांचवा है टेक्स्ट बिहाइंड ऑब्जेक्ट। ओके, तो सबसे पहले टेक्स्ट एनिमेशन को एक्सप्लोर करते हैं। इसमें आप टेक्स्ट रिवील इंट्रो क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले अपना टेक्स्ट यहाँ पे आपको लिख लेना है, जो भी टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं। टेक्स्ट टाइप करने के बाद फॉन्ट और साइज सिलेक्ट करके टेक्स्ट को सेंट्रली अलाइन कर लेना है। देन इसके बाद शेप टूल से आपको एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है कुछ इस तरह से। ओके, देन इसके बाद आप अपने टेक्स्ट वाले लेयर को सिलेक्ट करके इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल पे आएंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिखते हैं, शेप और टेक्स्ट। सबसे पहले आपको मास्किंग करनी है अपने शेप वाले लेयर पे, तो इसके लिए आप सैरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मास्किंग के लिए तीन टूल्स यहाँ पे मिलते हैं, जिसमें से कि दो यहाँ पर प्रीसेट्स हैं। ये आपका एलिप्स मास्क है और ये आपका रेक्टेंगल मास्क है और ये आपका पेन टूल, जिससे कि आप फ्री साइज ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम रेक्टेंगल मास्क क्रिएट करने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि ये शेप मुझे लेफ्ट टू राइट आता हुआ दिखाई दे। ओके, तो हम इस मास्क को शेप के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देंगे पहले, और जिस पॉइंट पे मैं चाहता हूँ कि ये शेप रिवील हो उस पॉइंट पे जाकर मास्क पाथ पे मैं एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा स्टॉप वॉच पे क्लिक करके। देन इसके बाद फर्स्ट पॉइंट पे आकर मैं मास्क को कुछ इस तरह से ड्रैग कर दूंगा बाहर की तरफ। अगर आपको लगे एनिमेशन फास्ट हो गया है तो आप की फ्रेम्स की डिस्टेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपका ये एनिमेशन आपको दिखाई देगा। देन इसके बाद मैं चाहता हूँ कि शेप के टोटली रिवील हो जाने के बाद ये टेक्स्ट जो है उसके नीचे से ऊपर की तरफ आए। टेक्स्ट वाले लेयर को सिलेक्ट करके इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल पे आके टेक्स्ट वाले ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पे फिर से एक रेक्टेंगल मास्क ड्रॉ करेंगे। मास्क को हम शेप के अकॉर्डिंग, जो रेक्टेंगल शेप है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। और आपको एक बात ध्यान रखना है कि मास्क की जो नीचे वाली ये लाइन है वो इस रेक्टेंगल के हाफ पार्ट में रहे, हाफ पार्ट ऊपर दिखता रहे रेक्टेंगल को और हाफ पार्ट नीचे। इसके फेदर को बिल्कुल जीरो कर देना है, डिक्रीज कर देना है। देन इसके बाद आपको टेक्स्ट वाली लेयर के ऑप्शन में ट्रांसफॉर्म पे आना है और जहाँ पे ये रिवील हो रहा है उसके कुछ सेकंड्स आगे जाकर पोजीशन पे की फ्रेम ऐड करना है, और जहाँ पे ये रिवील हुआ था शेप वहाँ पर आकर आपको टेक्स्ट की वर्टिकल पोजिशन को नीचे कर देना है। तो आपको कुछ इस तरीके का एनिमेशन दिखाई देगा। तो कुछ इस तरीके का इफेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं अपने वीडियो के इंट्रोज के लिए। एंड इसके बाद जो सेकेंड टॉपिक हमारा है वो है कलर ग्रेडिंग का। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कलर ग्रेडिंग में आप मास्किंग को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, और मैं चाहता हूँ कि जो कैरेक्टर है जिसके हाथ में कॉफ़ी मग है सिर्फ इनका फेस पॉप आउट हो, बाकी वीडियो सेम रहे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी वीडियो फुटेज की लेयर को डुप्लीकेट करना है। ऑल्ट प्रेस करके लेफ्ट क्लिक के साथ ड्रैग करेंगे, डुप्लीकेट हो जाएगा। देन इसके बाद ऊपर वाली लेयर पे सेलेक्ट करके इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल पे आना है आपको। तो मैं यहाँ पर एलिप्स टूल लेके फेस के अराउंड एक मास्क क्रिएट करने जा रहा हूँ। अगर शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो ये प्रोपोर्शनेटली रिसाइज होता है। आप चाहे तो एक पॉइंट को पकड़ के भी चेंजेस कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम आपको मास्क क्रिएट कर लेना है। एंड मास्क क्रिएट करने के बाद यहाँ से फेदर को इनक्रीज कर देंगे ताकि ये मास्क बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड हो जाए और अलग ना लगे। इसके बाद हम जो भी इफेक्ट इस पे अप्लाई करेंगे, कलर ग्रेड करेंगे, वो सिर्फ इनके फेस को कलर ग्रेड करेगा, बाकी वीडियो पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। ये तरीका काफ़ी सारे कमर्शियल एड शूट्स में यूज़ किया जाता है, जिसमें कि आपको अपने कैरेक्टर को हाईलाइट करना होता है। तो वही मेथड हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो जिस फुटेज पे आपने मास्क क्रिएट किया है फेस के अराउंड, इस फुटेज पे आप अपने कलर वर्कस्पेस में आकर इसे ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप इफेक्ट चैनल पे आकर यहाँ पे ल्यूमेट्रिक कलर सर्च करके ये कलर ड्रैग कर सकते हैं अपनी मास्क वाली लेयर पर, जिस फुटेज पे आपने मास्क क्रिएट किया है। ओके, देन इसके बाद यहाँ पे आप जो भी चेंजेस करेंगे वो सिर्फ आपके फेस पे शो होगा, बाकी वीडियो पे नहीं। चलिए मैं आपको कुछ चेंजेस करके बताता हूँ जो कि मैं रफली कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने काफ़ी माइनर चेंजेस इसमें किए हैं जो कि आप अगर गौर से देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ बिफोर एंड आफ्टर का इफेक्ट, अगर आप गौर से देखें तो आपको इफेक्ट पता चलेगा इस पर, जो कि सिर्फ इस कैरेक्टर के फेस पे अप्लाई हुआ है, बाकी जगहों पर अप्लाई नहीं हुआ है। तो इस तरह से आप और भी एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। आप चाहें तो इस कैरेक्टर के अराउंड कंप्लीट मास्क ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ फेस पे क्रिएट किया है, आप पूरे बॉडी के अराउंड मास्क क्रिएट कर सकते हैं और बाकी वीडियो को आप डिसैचुरेट भी कर सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में और करेक्टर को कलर में। तो जो भी आपकी क्रिएटिविटी जहाँ तक जाती है आप उस वहाँ तक इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम अब चलते हैं अपनी थर्ड इफेक्ट पे, जिसमें कि आप कैरेक्टर इंट्रो सीक्वेंस बनाना सीखेंगे, जो कि आप फिर से अपने वीडियो के इंट्रोज के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी सारे मूवीज़ में या सीरियल्स में यूज़ भी किया जाता है।
फुटेज को अपनी टाइमलाइन पे इंपोर्ट करने के बाद उस पॉइंट पे आपको आना है जहाँ से आप अपनी इस इफेक्ट को क्रिएट करना चाहते हैं, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर आपको अपनी फुटेज पर राइट क्लिक करना है, ऐड फ्रेम होल्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद अपनी फुटेज जो आपकी होल्ड हो चुकी है उस पर क्लिक करना है और इसके स्केल की वैल्यू को इंक्रीज करना है। ओके, इसके बाद आपको 5 से 7 फ्रेम आगे आना है और फिर से कट लगाना है यहाँ पर, और फिर से इस स्केल की वैल्यू को इंक्रीज करना है, बट इस बार आपको एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट में इंक्रीज करना है और किसी भी एक तरफ लेफ्ट या राइट साइड में इसे प्लेस कर देना है ताकि दूसरी तरफ हम इस कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन दे सकें। ओके, तो कुछ इस तरीके का आपको ये शो होगा। काफी नाइस स्टटर इफेक्ट आपको इसमें देखने को मिलेगा। प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ तक कंप्लीट हो जाने के बाद आपको इसके बाद हमें अपने सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी वीडियो पे एक कलर ओवरले या कलर मेट अप्लाई करना है। लेकिन अगर हम अभी इसी तरीके से अगर हम कलर मेट अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं सब कुछ यहाँ पे कवर कर लेगा। और अगर ब्लेंडिंग मोड आप चेंज भी करते हैं तो भी कुछ खास आपको फायदा नहीं होने वाला इससे। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने कैरेक्टर को बैकग्राउंड से अलग करना है, जिसके लिए हम यहाँ पर मास्किंग यूज करने वाले हैं। तो मास्किंग आपको यहाँ काम आएगा। फिर से सबसे पहले आपको अपनी वीडियो लेयर को डुप्लीकेट करना है। ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करके अपने कैरेक्टर के अराउंड एक मास्क ड्रॉ कर लेना है आपको। ट्राई करें कि मास्क जितना ज्यादा प्रिसाइज हो उतना आपको बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप ऑल्ट प्रेस करके इस हैंडल को अगर आप जिधर भी चाहें उधर मूव कर सकते हो ताकि आपका मास्क सही से क्रिएट हो। मास्क क्रिएट कर लेने के बाद आपको अपने कैरेक्टर और बैकग्राउंड के बीच में इस कलर मेट को अप्लाई करना है। ओके, तो कुछ इस तरीके से आप कलर मेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी चॉइस का कलर इसमें रख सकते हैं, जो भी कलर आपको बेहतर लगे वो कलर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप ब्लू यूज़ करें। कलर मेट अप्लाई करने के बाद आप इसके ब्लेंडिंग ऑप्शंस को ट्राई करें कि कौन सा यहाँ पे ऑप्शन जो है वो ज़्यादा बेहतर लगेगा। मैं यहाँ पे कलर 1 यूज़ कर रहा हूँ और इसकी ओपेसिटी को डिक्रीज कर रहा हूँ। देन इसके बाद हमें यहाँ पे टेक्स्ट लेयर्स क्रिएट करने, जिसमें कि आप इस कैरेक्टर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्लेस करने वाले हैं, जिसके लिए हम 2 टेक्स्ट लेयर क्रिएट करेंगे। पहला टेक्स्ट जिसमें नाम आ जाएगा कैरेक्टर का, आप जो भी नाम आप चाहें वो लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको 2 यहाँ पर टेक्स्ट लेयर्स क्रिएट कर लेने हैं, और नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करके आपको एक शेप ड्रॉ करना है इस टेक्स्ट के पीछे। आप इसके पोजीशन को यहाँ पर चेंज कर देंगे तो कुछ इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा। आप इस शेप का कलर चेंज कर सकते हैं, और इन दोनों टेक्स्ट लेयर्स को हमें प्लेस करना है कैरेक्टर के पीछे, लेकिन कलर मेट से ऊपर रहेगा ये कुछ इस तरह से, ताकि जब हम इसे एनिमेट करेंगे ट्रांसफॉर्म इफेक्ट के थ्रू तो ये हमें कैरेक्टर के पीछे से आता हुआ दिखाई दे। ओके, तो इसके लिए हम सबसे पहले ट्रांसफॉर्म इफेक्ट अप्लाई करेंगे। तो कुछ इस तरह से हम इसे एनिमेट करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इस एनिमेशन में आपको एक नाइस मोशन ब्लर दिखाई दे, तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन को डिसेबल कर देंगे और यहाँ पे 180 डिग्री सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको पोजिशन पे की फ्रेम्स ऐड करने ताकि ये एनिमेशन हो सके। तो ये हो जाने के बाद यहाँ पर इस पॉइंट पे आकर पोजिशन पे की फ्रेम ऐड करेंगे और स्टार्टिंग में आकर कुछ इस तरह से इसे ड्रैग कर देंगे नाइसली। देन इसके बाद कुछ फ्रेम्स आगे आकर अपने दूसरे वाले टेक्स्ट लेयर पे हम एनिमेशन ऐड करेंगे, जिसके लिए पोजीशन पे फिर से की फ्रेम ऐड करेंगे और फिर कुछ फ्रेम्स पीछे जाकर कुछ इस तरह से इसे ड्रैग आउट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके का आपको एनिमेशन देखने को मिलेगा। दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके आप इसे ईज इन सेलेक्ट कर देंगे ताकि ये आपको और भी ज़्यादा स्मूथ एनिमेशन दें। तो कुछ इस तरीके का इफेक्ट आपके वीडियो पे क्रिएट हुआ है। देन इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट यानी कि 4th इफेक्ट पे, जो कि है फेस ब्लर। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के फेस को आप कैसे ब्लर कर सकते हैं। सिर्फ फेस को ही नहीं, कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई ब्रांड लोगो हो, उसे आप ब्लर कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उसका इन्वर्टेड भी कर सकते हैं। देखिए मैं आपको करके बताता हूँ किस तरह से। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने इफेक्ट्स पैनल में आकर गॉशियन ब्लर सर्च करना है। गॉशियन ब्लर इफेक्ट को आप वीडियो फुटेज पर ड्रैग करना है। इसके बाद इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल में आकर ब्लरिनेस की वैल्यू को आपको इंक्रीज करना है। तो अगर आप अभी ही अगर ब्लरिनेस की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे तो ये आपकी पूरी वीडियो को कवर कर लेगा और आपको पता नहीं चलेगा कि आपको मास्क कहाँ क्रिएट करना है। ओके, तो स्टार्टिंग में आपको इस ब्लरिनेस की वैल्यू को 0 रखना है, और यहाँ पर जो आपको 2 प्रीसेट और एक पेन टूल दिख रहा है, इसके थ्रू आप एक मास्क क्रिएट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इलिप्स टूल लेकर मास्क क्रिएट कर रहा हूँ अपने कैरेक्टर के फेस के अराउंड। ओके, इसके बाद हमें इस मास्क को एनिमेट करना है ताकि कैरेक्टर की मूवमेंट के साथ ये मास्क भी मूव करे। ओके, तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस दिख जाते हैं। पहला है ट्रैक सिलेक्टेड मास्क फॉरवर्ड, और दूसरा ऑप्शन है ट्रैक सिलेक्टेड मास्क बैकवर्ड। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अभी फुटेज के ऑलमोस्ट बीच वाले पार्ट में हूँ, तो मैं यहाँ से चाहूँ तो अपने मास्क को फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ ट्रैक कर सकता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे इस रेंज के ऑप्शन पे आकर क्लिक करना है प्रीव्यू के ऑप्शन में। ये क्लिक रहना चाहिए ताकि जब आप मास्क को एनिमेट करें
तो आपका ये मास्क आपको दिखाई दे कि किस तरह से मूव कर रहा हूँ। ओके, तो मैं यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाता हूँ, मास्क कुछ इस तरह से प्लेस कर देता हूँ कैरेक्टर के फेस पे। इसके बाद इस ऑप्शन को इनेबल करके मैं ट्रैक सिलेक्टेड मास्क फॉरवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। ओके, तो इस तरीके से जब ये ट्रैक कर रहा है प्रीमियर प्रो आपके मास्क को, तो उस वक्त आप यहाँ पर एक प्रीव्यू देख सकते हैं कि आपका मास्क किस तरह से यहाँ पे चल रहा है। अगर आपको किसी भी पॉइंट पर लगता है कि मास्क सही से वर्क नहीं कर रहा है, तो आप इसे यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं और फिर से मास्क को सही से प्लेस करके यहाँ पर फिर से क्लिक कर सकते हैं, तो उसी पॉइंट ऑफ टाइम से दोबारा से उसे एनिमेट करना और ट्रैक करना शुरू कर देगा। ओके, तो ट्रैकिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आप देखें तो ये जो मास्क है ये आपके कैरेक्टर के साथ ही मूव कर रहा है इंटायर फुटेज में। यहाँ पर अगर आप देखें तो काफ़ी सारी यहाँ पे की फ्रेम्स ऐड कर दी गई हैं ऑटोमेटिकली ट्रेस करके, चूँकि नंबर ऑफ़ की फ्रेम्स हैं जितनी, अगर आप खुद से अगर यहाँ पे अप्लाई करने लगेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। ओके, देन इसके बाद आप यहाँ पे ब्लरीनेस की वैल्यू को इनक्रीज़ कर देंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके कैरेक्टर के फेस पे इंटायर वीडियो में एक मास्क क्रिएट हो गया है जो कि कैरेक्टर के साथ ही मूव कर रहा है। बट अगर आप अभी देखें तो एक सर्कल आपको यहाँ पे पता चल रहा है जो कि बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आप मास्क फेदर के ऑप्शन पे आकर यहाँ पर इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से कैरेक्टर के फेस के साथ ही मूव होगा और बैकग्राउंड के साथ मर्ज भी रहेगा। अगर आप चाहें तो यहाँ से आप इसे इन्वर्टेड पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ इस कैरेक्टर के फेस के अलावा बाकी पूरी वीडियो पर ये गॉशियन ब्लर अप्लाई हो जाएगा। पूरी वीडियो फुटेज आपकी ब्लर रहेगी, लेकिन ये कैरेक्टर ही पॉप आउट होता रहेगा ओनली। तो इस तरीके से आप इस इफेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इनमें से किसी भी इफेक्ट को क्रिएट करने में मुश्किल आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, या फिर आप चाहते हैं कि इनमें से कोई सा भी एक इफेक्ट आपको पूरी तरह से समझाया जाए, इस पर कोई सेपरेट वीडियो आनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जिस भी इफेक्ट के बारे में ज़्यादा कमेंट्स होंगे मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इन डेप्थ ट्यूटोरियल के साथ कि किस तरह से आप उसको परफेक्टली क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट टेक्स्ट बिहाइंड ऑब्जेक्ट वाले इफेक्ट पे। इसमें आपको, आप अगर फोटोशॉप में करते हैं तो आपका एक स्टिल ऑब्जेक्ट होता है, स्टिल इमेज होती है, लेकिन आप वीडियो में एक मूविंग ऑब्जेक्ट के पीछे किस तरह से आप अपने टेक्स्ट को रन कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए सिर्फ प्रीमियर ही नहीं, आपको अपने आफ्टर इफेक्ट सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप परफेक्टली अपने कैरेक्टर को बैकग्राउंड से सेपरेट कर सकें। ओके, तो आपने काफ़ी बार सुना होगा रोटोस्कोपिंग का नाम, तो हम अपने कैरेक्टर को भी रोटो करने वाले हैं, जिसके लिए सबसे पहले आपको अपनी क्लिप को डुप्लीकेट करना है। ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे, ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा रिप्लेस विथ आफ्टर इफेक्ट कॉम्पोजिशन। बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपका प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट सेम ही वर्जन होना चाहिए। जैसे कि मैं अभी 2023 का यूज़ कर रहा हूँ, तो आफ्टर इफेक्ट्स और प्रीमियर दोनों ही 23 के ही होने चाहिए, तो ही आपका ये वर्क करेगा। ओके, तो इसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी फाइल को सेव करने के लिए लोकेशन दे देना है जहाँ पे भी आप सेव करना चाहते हैं इस फाइल को। लोकेशन देने के बाद आपकी फुटेज यहाँ पर आपको शो होगी, जिसमें आपको यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ से इस ऑप्शन को जो कि रोटो ब्रश टूल है इसे सेलेक्ट कर लेना है और अपने कैरेक्टर के अराउंड एक मास्क क्रिएट कर देना है। अगर आप इस तरीके की वार्निंग यहाँ पर देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो फ्रेम रेट है वो मिसमैच हो रहा है फुटेज से, तो आप यहाँ पर कंट्रोल के प्रेस करके सीक्वेंस कंपोजिशन सेटिंग में जाकर यहाँ पे इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो हम इस अपनी पूरी फुटेज को रोटो कर लेंगे। तो अपनी पूरी फुटेज को सिलेक्ट कर लेने के बाद, रोटो कर लेने के बाद यहाँ पे आप इसको एनिमेट करेंगे, जिसके लिए आप यहाँ पे डायरेक्टली इस ऑप्शन पे फ्रीज पे क्लिक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपके कैरेक्टर की मूवमेंट को ट्रैक करेगा और उसी हिसाब से आपके मास्क को भी क्रिएट करेगा। अगर आपको किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर लगता है कि ये सही से वर्क नहीं कर रहा है, तो आप इसे वहाँ पर रोक के रोटो को एडजस्ट कर सकते हैं रोटो ब्रश के थ्रू, और फिर वापस दोबारा से आप फ्रीज पे क्लिक करके उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज, रोटो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम वापस चलेंगे अपने प्रीमियर प्रो पे। यहाँ पे आप आकर अगर देखें, मैं आपको अगर दिखाऊँ पीछे वाली लेयर को डिसेबल करके, तो यहाँ पे जिस पार्ट का हमें सिलेक्शन बनाया था वो पार्ट हमारे बैकग्राउंड से अलग हो चुका है। ओके, तो अब हमें अपने इस कैरेक्टर और बैकग्राउंड के बीच में अपने टेक्स्ट लेयर को प्लेस करना है, जिसके लिए हम जो भी टेक्स्ट यहाँ पे चाहें वो लिख सकते हैं। अपने पसंद का टेक्स्ट साइज और फॉन्ट लेने के बाद आप इसे जैसे भी कंफर्टेबल हो इसे यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट हम कुछ इस तरह से यहाँ पर प्लेस कर देंगे जो कि हमारे बैकग्राउंड के पीछे रन होता रहेगा एंटायर फुटेज में। आप इस टेक्स्ट को एनिमेट भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे इन एनिमेशन आउट एनिमेशन दे सकते हैं बैकग्राउंड के पीछे। आप इस तरह से सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं, आप काफ़ी सारी जो आपकी फुटेज है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कुछ इमेजेस आपको लगानी हो, कुछ इफेक्ट्स आपको अप्लाई करने हैं, तो वो भी आप अपने कैरेक्टर के पीछे बैकग्राउंड में आप रन कर सकते हैं इस इफेक्ट के थ्रू।
ओके गाइस, तो हमारी चारों इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी देखें। कुछ समझ ना आया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगली वीडियो से रिलेटेड भी आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स, लव यू। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का।